हेलो ठीक से नहीं खींच रही है फोटो टेस्ट कर रहे हैं दो बैठे यहां पे कैसे साउंड कर रहे हैं जैसे ओरिजिनल में हो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज आ गए हम महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क जिसे गाइस छतबीड़ चंडीगढ़ जू के नाम भी जाना जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं गाइस हम यहां से एंट्री। तो यहां से हम एंट्री लेंगे तो ये हमारा क्या आ गया एंट्री पॉइंट आ गया। तो गाइस एक ही यहाँ की चीज़ मुझे ना बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पे जैसे कि जो अपाहज होते हैं उनके लिए व्हील चेयर भी है और जो ई टिकट वाले ना वो डायरेक्ट जाके एंट्री कर सकते हैं। तो हमें तो जस्ट टिकट लेनी थी तो मैं आपको बता देती हूँ टिकट प्राइस क्या है। जो अडल्ट है उनके लिए 100 है, चिल्ड्रन 3 से लेकर 12 साल की 50 रुपये है, कैमरा के साथ आते हैं तो 500 है, अगर वीडियो कैमरा के साथ आते तो भी 500 रुपये है, और जो बिलो 3 साल से कम है तो उनके लिए फ्री है यहाँ पर टिकट, तो वो फ्री में यहाँ पे विजिट कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ। तो चलो अब हम करते हैं एंट्री और ये रहा एंट्री गेट, ये है सामने लिखा महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क। चलो गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो चलते हैं लेट्स गो। सबसे पहले ना आपको इनका जो नक्शा है ना वो दिखा देती हूँ, जो पूरे का पूरा ज़ू का नक्शा है ना। तो ये पूरे का पूरा ज़ू का नक्शा रहा जिसमें आपको एक देखने को रिवर मिल जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, कैंटीन, जो सबसे पहले आएगा वो आएगा मॉन्की कम्प्लेक्स 1, मॉन्की कम्प्लेक्स 2, टाइगर कम्प्लेक्स, हिप्पो कम्प्लेक्स, ईमो कम्प्लेक्स, एलिफेंट कम्प्लेक्स, लॉयन सफारी, लेपर्ड कम्प्लेक्स, कैट कम्प्लेक्स हो गया है ना, फिर आ गया आपका बियर कॉम्प्लेक्स, एवेनरी कॉम्प्लेक्स, फिर बर्ड एवेनरी, इस तरह से आपको ना 18 देखने को मिलेंगे अंदर। तो गाइस सबसे पहले हम आ गए देखने के लिए पिग टेल मंकी हैं जो आप देख सकते हो, इनका सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब भी दिख तो रहा नहीं कहाँ पे चला गया, वो बैठे हैं। हिप्पो घूम रहा है और ये रहा लंगूर कॉमन, ये देख सकते हो यहाँ पे वो बैठा है, देख तो रहा नहीं वैसे इस तरफ, देख लिया देख लिया। एक ओए कुकू कनी देख नहीं रहा वो सामने दिखा रहा। तो यहाँ पे आगे बोनेट मंकीज हम देख सकते हो वो हैं, देखो बोल रहे हैं ओए, ये देखे ये बैठ गए ओए, देख नहीं रहा। तो यहाँ पे रहेगा इस फ्रीज बंदर, बट वो बैठा वो देखो सामने, ये देखो हेलो नहीं देख रहा, ये तो अपने एटीट्यूड में बैठा है ये देखो। तो गाइस घूमने के ये कह रहे 3 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ जो है, मतलब ये जो पैदल है, देखते हैं। तो ये कौन सी है ले देख लेती हूँ, देख रहा है भाई टिकी टिकी लगा के। हेलो मस्ती में अपनी, एक वो बैठा है देखो वो जा रहा है,
ठीक आ रहा है। तो गाइस अभी हमने जाना है टाइगर देखने के लिए, है ना, जो कि हैं। तो बंदर वाला एग्जिट हो गया, सॉरी ये बाहर की तरफ है और ये हम जा रहे हैं टाइगर की तरफ। तो अब देखते हैं हमें कितने की दूर मिलते हैं टाइगर देखने के लिए। तो मैं एक्चुअली जब मैं स्टडी करती थी ना यहाँ पे, एक्चुअली मेरा कॉलेज था यहाँ पे, तो तब हम आ जाते थे कॉलेज के बाद। तो तब से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो देखते हैं वो क्या कौन से चेंजेस हैं। तो यहाँ पे वीडियो में मेरे साथ बने रहना, क्योंकि यहाँ पे डायनासोर पार्क है वो भी हम देखेंगे, और जो लॉयन सफारी है वो भी हम करेंगे, और डियर सफारी है वो भी हम करेंगे। तो लेट्स गो। एक शायद एवेनरी नाम से शायद अंदर गैलरी या समथिंग जो मैंने पहले सर्च किया था इसके रिगार्डिंग। तो देखते हैं वो है या नहीं, तो उसका भी हम विजिट करेंगे। तो चलते हैं पहले टाइगर सफारी की तरफ। तो गर्मी में हालत होगी ख़राब, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो एक और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अगर पसंद आ रहा है, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर तो मेरे को मोटिवेट करता है। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ छतबीर जू में। तो जो नेक्स्ट टूर रहेगा आप कमेंट करके बताना कि कौन सी चंडीगढ़ में कौन सी जगह आप देखना चाहते हो, तो वहाँ पर लेके जाएंगे आपको टाइगर। यहाँ पे लेके आया था टाइगर रॉयल बंगाल। टाइगर इज़ वन ऑफ द 5 सब स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एशिया। टूडे श्रिंकिंग टाइगर नंबर्स एंड हैबिटेट आर मेजर कंजर्वेशन इशूज। 100 ईयर्स अगो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख टाइगर्स वर रोमिंग इन द वर्ल्ड, बट नाउ ओनली 4% ऑफ द सेम आर लेफ्ट। लेट अस कंजर्व द टाइगर्स। तो गाइज हम आए इन्हें देखने के लिए, इनकी नींदें पूरी नहीं हो रही हैं, बताओ हम। तो गाइज ये आपको साइन बोर्ड लिखने के लिए पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पे अंदर जाना मना है ना, तो ये साइन बोर्ड ध्यान में रखने अपने कभी भी जब यहाँ पे आते हो। तो इस साइड गाइज आपको मिलेगा दरियाई घोड़ा हिप्पो। तो चलो देखते हैं जाके चलते चलते। जो हिप्पो था वो रहा है अंदर सो, तो वो पानी से बाहर बिल्कुल भी नहीं आया, पता नहीं क्यों। तो उसकी छोटी सी जो शक्ल है वो देखी मैंने, बाकी प्रॉपर आया नहीं वो बाहर। वो लगा है सोने के लिए, लोग उसे देखने के लिए आए हैं लेकिन वो सो रहा है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई यही रीज़न हो सकता है। चलो लेट्स गो, आगे देखते हैं कि आगे क्या मिलेगा देखने के लिए। जू वैसे काफ़ी बड़ा है, वैसे जो जिस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है लॉयन सफारी और क्या कहते हैं डियर सफारी, उसके अलावा और डायनासोर पार्क उसके लिए, एवेनरी आई थिंक गैलरी है उसके लिए, वो 5 o'clock पता नहीं 4 o'clock क्लोज हो जाती है, बट आई होप सो कि उससे पहले हम देख लेंगे। तो आगे अभी हमने टाइगर देख ली थी, अभी जा रहे हैं एलिफेंट देखने के लिए जो कि इस तरफ है। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे शेल्टर बना हुआ है, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, और सामने पार्क है वहाँ पे झूले भी ले सकते हैं, जैसे कि विजिटर वगैरह आते हैं ना, वो देखो सामने झूले वगैरह लगे हुए हैं और ये विजिटर के शेल्टर बने हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं जल्दी जल्दी एलिफेंट की तरफ, तो फिर जाएंगे टाइगर सफारी करने के लिए।
तो ये रहा हमारा इंडियन एलिफेंट है, जो हम देख सकते हो इनकी एज कितनी है, सारा स्टेटस वगैरह इनका लिखा हुआ है, जो इनके करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारी की सारी मेंशन की हुई हैं। जो हमारा एलिफेंट है वो जो सामने शेड दिख रहे हैं ना, तो हम वहाँ पे, चलो जल्दी जल्दी देखते हैं कि है या वहाँ पे नहीं। वो रहे सामने, दिख तो रहे हैं वैसे इसमें, वो देखो ये है इंडियन एलिफेंट। यहाँ पे इनके पास है कैमरा, तो कैमरा से कर रहे हैं कैप्चर, बट हमारे पास नहीं है। तो जो वेस्ट वगैरह होता है वो यहाँ पे फेंकना है, इधर उधर नहीं फेंकना, ये है डस्टबिन वहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ गया टॉयलेट सामने, हम देख सकते हो सामने की तरफ। तो गाइस इस तरफ है आपका लकड़बग्गा खट जाएगा, मतलब लकड़बग्गा इमो लाइन सफारी कैंटीन की तरफ और तेंदुआ। तो हमने जाना है इस तरफ, तो हमने लाइन सफारी भी एक्चुअली करनी है, तो चल रहे हैं, लेट्स गो। वो देखो भाग गया भाग गया, वो देखो चला गया अंदर। ये है लकड़बग्गा बग्याल आगे इस तरफ। कुत्ते जैसी शक्ल है इसकी वैसे। तो हमने लकड़बग्गा देख लिया, तो अब देखेंगे हम भेड़िया वॉल्फ। तो वॉल्फ हैं जो वो हैं इस तरफ। तो उसके बाद हमने करनी है लॉयन सफारी। तो बस मैं बोली जा रही हूँ कब कब की लॉयन सफारी, लॉयन सफारी तो करेंगे डेफिनेटली, देखते हैं क्या सिस्टम रहता है। ये है इंडियन वॉल्फ, तो ये इसकी करेक्टरिस लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे है तो दिख तो रही नहीं है, है नहीं, चुपके बैठी। चलो लॉयन सफारी करते हैं हम। आधे जानवर ऐसे हैं जो कि अभी सो रहे हैं, अभी उठे नहीं हैं, वो हमसे भी ज़्यादा लेजी हो गए हैं। वैसे ये सिस्टम है यहाँ पे, तो अभी मैं ले लेती हूँ टिकट जाके। तो ये जो रहा वो है डायनासोर पार्क, वो हम जाएंगे बाद में। देखते हैं तो जो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो लॉयन सफारी है उसकी टिकट रहेगी आपकी लॉयन और डियर की 75 पर पर्सन। तो पहले यहाँ से लेते हैं टिकट। कितने मेंबर? एक के 75। तो ये सारे का सारा एरिया वो है कैंटीन यहाँ पे। देख जाएगा
तो गाइज़ हमने क्या कहते हैं लॉयन सफारी कर ली है, तो अब हम करने जा रहे हैं डियर सफारी। तो यहाँ पे जो बस वाला ड्राइवर है वो परमिशन लेता है, उसके बाद ये करने देते हैं एंटर। तो पूरी मतलब के सेफ्टी रखी गई है, जितने विजिटर आते हैं पूरा मतलब कवर किया हुआ है। जब हम लॉयन सफारी कर रहे थे तो ये देखो कितने अच्छे दिखने स्टार्ट हो गए हैं डियर, पूरा इनका वो बनाया हुआ है, अंदर पानी छोड़ा हुआ है इनके लिए। ये देखो कितनी मतलब कि फ्रीडम कह सकते हैं कि फ्रीडम इन्हें, वैसे कहाँ है ना फ्रीडम, क्योंकि 3 किलोमीटर एरिया में बंद करके रखे हुए हैं बेचारे जानवर लोगों के मनोरंजन के लिए। बड़ी ये चीज़ गलत है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of. तो यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए पैंथर और लेपर्ड, एक ही है ना, ये देखो बैठा पता नहीं कहाँ पे दिख रहा है, तो ये रहा गाइस जगवार। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो, लिखी हुई हैं ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं। तो हम देखते हैं कहाँ पे बैठा है जगवार, सो रहा है गाइस। ये भी मुझे तो समझ नहीं आती इनकी नींदें पूरी नहीं हो रही अभी, आधे से ज़्यादा जानवर तो सो रहे हैं यहाँ पे जिन्हें देखने के लिए, उनकी अभी तक नींद कंप्लीट नहीं हुई बताओ। हम उन्हें देखने के लिए आए हैं लेकिन वो मौत से सो रहे हैं पड़े वहाँ पे। ये कहते हैं तेंदुआ था ना, वो तेंदुआ भी अंदर छुपा हुआ बैठा था, और यहाँ पे जगुआर था, जगुआर भी पूरी अपनी नींद आराम पूरी कर रहा था। हम वेले हैं जो उन्हें देखने के लिए आए हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होगी। इस साइड भी बैठा है कौन सा, ये भी तेंदुआ ही है पैंथर। ये देखो दो बैठे हैं यहाँ पे, एक वो सो रहा है ऊपर बैठा है,
देखो ये बैठा है मैडम ध्यान से, ये देखो वो हमने देख लिया है लेपर्ड। अब देखते हैं बिल्लियाँ, जंगली बिल्लियाँ। तो चलते हैं जल्दी जल्दी अंदर की तरफ। इंडियन फॉक्स, ये है लोमड़ी। ये है इंडियन फॉक्स और इसकी जो करेक्टरिस हैं वो लिखी हुई हैं, खाना खोना क्या हैबिट कितनी एज इसकी, इस पे सारे पे। वो बैठी है देखो, दिख भी नहीं रही। वो देखो छोटी सी दिख रही है। ये भी इसकी करेक्टरिस वगैरह लिखी हुई हैं सारी। होगी नहीं पूरी, बाकी बाकी तू जाग रही है। अच्छा 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 ओए म्याऊ। ये मिली है, इसकी नींद ही खुली हुई है ना। जो बिल्लियाँ वो है रही सो, वो भी सो रही हैं। एक बिल्ली देखी मैंने बस, बाकी जो दो थे वो एम्प्टी पड़े थे, पता नहीं उनमें थी पता नहीं नहीं, बट मुझे लग रहा है वो भी सो ही रही होंगी। तो फाइनली गाइस अब हम लेने लगे एंट्री डायनासोर पार्क में। तो देखते हैं डायनासोर पार्क के कैसा है अंदर से, तो एक बार दिखा देती हूँ आपको। तो ये रहा हमारा डायनासोर पार्क। ये डायनासोर पार्क, करते हैं एंट्री इस तरफ डायनासोर पार्क के लिए। तो देखते हैं जाके कि कैसा है डायनासोर पार्क। पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, ये देखो पूरा डांचस बना हुआ है। देखो डायनासोर पार्क, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है योर सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट टू अस, कीप दिस एरिया क्लीन, आउटसाइड फूड एंड बेवरेज नहीं लाओ, कैंडल एंड मैच जो मैच बॉक्स है तो वो भी लाओ नहीं है, लार्ज बैग नहीं लाओ है, सिगरेट गुटखा पान और तंबाकू ये भी लाओ नहीं है। आगे आप देख सकते हो ये सारे के सारे लिखे हुए लाओ नहीं है बिल्कुल भी। और ये और वाले दिल है वो इसके अंदर एंटर ना करें। तो ये चीज़ इंस्ट्रक्शन लगाई हुई है, ये नोट बोर्ड लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। शाम 4 बजे तक, 4 बजे से पहले आ सकते हो तो एंट्री मिलेगी, 4 बजे के बाद अलाउ नहीं है। और ये रहा आपका साइन बोर्ड, छत भी डायनासोर पार्क। इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 14 अगस्त 2021 को। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ से एंट्री। पहले ही मिल जाएंगे आपको एंट्री में। वैसे ये मूवमेंट तो नहीं कर रहा, हाथ बांध के बिठाया हुआ बेचारा। वो देखो ये सारे के सारे लगाए हुए हैं कि एंशिएंट टाइम में ये कैसे कैसे इनकी मतलब के वो थी स्ट्रक्चर था, वो सारे का सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हो। तो अब हम जाना है इस तरफ, करेंगे एंटर। गर्मी के बहुत ज़्यादा, गर्मी भी लग रही है। ये बनाया हुआ है इन्होंने पूल बनाया, हॉन्टेड मूवी होती है ना। यहाँ से ये देखो, ये ऐसे लग रहा है जैसे हॉन्टेड मूवी के अंदर हम एंटर करते हैं। ये देखो पूरी वो बनाई हुई है इन्होंने, पूरा हॉन्टेड
भूत आ गए गाइस, भूत भूत आ गए, भूत भागो भागो। देखो ये अब हम कर रहे हैं यहाँ से एंटर। हमारे डायनासोर पार्क, तो अभी देखते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले ये वाला है डायनासोर, है ना, उसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई आप पढ़ सकते हो यहाँ से। ये देखो ये वाला है और इसकी ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। और एक्चुअल में ये है देखो, मोमेंट कर रहा है आगे देखने के लिए। कैसे साउंड कर रहे हैं जैसे ओरिजिनल में हो। ये देखो मूवमेंट कर रहा था, पहले बंद हो गया, वो नीचे इसके बच्चे हैं। ये देखो तो सामने जो है ना, तो वहाँ पे भी आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो। ये है डायनासोर का एग, देखो बना हुआ है आर्टिफिशियल। पास में आओ, नहीं जाना ड्राई ना ड्रावन लकी बना वीडियो। तो ये देखो यहाँ पे भी डायनासोर के वो रखे हुए एग्स वगैरह, तो वही यहाँ पे भी सेल्फी खिंचवा सकते हो आप। तो फाइनली हम कर रहे हैं, तो गाइस ये रहा गैंड वाला डायनासोर, आप देख सकते हो। और वो उसकी रेस देखो सामने, अगर जू में देखा जाए ना सबसे मस्त चीज़ लगी तो मुझे यही चीज़ लगी, जानवर जो डायनासोर पार्क है वो मस्त है यहाँ पे। बाकी जानवर तो ना अपना एटीट्यूड लेके सो रहे हैं सारे के सारे, जिन्हें देखने आए थे पूरी मस्ती के साथ सो रहे हैं अंदर। बिल्लियाँ देखी, बिल्लियाँ भी सो रही थी, एक जाग रही थी। और जो मंकी हैं वो भी हद से ज़्यादा सो ही रहे थे। अगर देखा जाए एग्जिट यहाँ से डायनासोर पार्क से, अभी एवनर ही देखते हैं कि ओपन है या नहीं। तो यहाँ पे आप सेल्फी खिंचवा सकते हो, ये देखो ये भी डायनासोर का जो मुंह सा वो बना हुआ है, ये देखो। तो यहाँ पे गाइस बैठा है पहाड़ी रिच, तो आपको दिखा देती हूँ, रेस्ट कर रहा है अपनी मस्ती में, गर्मी लग रही है उसे। तो यही देख रही थी मैं वर्ल्ड सेवनरी, तो ये भी 4 बजे तक ओपन रहती है, उसके बाद ये हो जाती है क्लोज्ड। देख के आते कौन कौन से, रेपिटाइज हाउस, ये भी 4:45 तक ओपन रहता है, उसके बाद है एंट्री नहीं है यहाँ पे। एक मॉल है और लंबा ही बना, एक नहीं है काफी ज्यादा है। वो तो नहीं।
जिंदा सांप काफ़ी ज़्यादा, और कुछ लुके हुए थे वो ऐसे ऐसे करके आ रहे थे, और एक तो बिल्कुल उसके नीचे बड़ा बड़ा था लकड़ के दिख भी नहीं रहा था, विजिबिलिटी नहीं थी उसकी। तो ये रहा क्रोकोडाइल का, और इसकी भी इन्होंने क्या कहते हैं करेक्टरिस्ट लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। तो देखते हैं कहाँ पर बैठा है वो रहा। तो गाइस आज के ब्लॉग को ना ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, क्या कहते हैं जो महेंद्र चौधरी जो लॉजिकल पार्क है ना, पूरे का पूरा ब्लॉग ख़त्म है ये। अभी मैं एग्जिट की तरफ जा रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छी लगती है। तो मुझे कमेंट ज़रूर करना है ना कि नीचे की नेक्स्ट जो ब्लॉग है आप किस चीज़ का देखना चाहते हो, कि जो ये मेरा ब्लॉग है वो टूर है, एक्चुअली टूर है बोलूँगी मैं से, क्या कहते हैं छतबीर ज़ू का वो कंप्लीट टूर है। उसमें मैंने आपको टिकट का प्राइस और क्या क्या मतलब कि फॉर्मेलिटीज हैं जो भी है वो सारा कुछ उसमें डिस्क्लोज किया हुआ है, और क्या क्या चीज़ यहाँ पे देखने के लायक है। और देखने के लायक तो लॉयन सफारी काफ़ी अच्छी है, डियर सफारी वो एक भी होता है, उसका जो प्राइस है वो 75 rupees है दोनों का, और क्या कहते हैं जो इसकी टिकट रहती है वो रहती है 100 पर पर्सन, और जो 3 से लेके 12 साल के बच्चे हैं 3 से 12 उनकी 50 है, जो 3 से मतलब कि जिनकी एज कम है बिलो 3 years वो फ्री आ सकते हैं। और इसके अलावा जो हम वो जो
ये चलती रहती हैं अंदर की तरफ, कार सी होती हैं छोटी छोटी, है ना, इलेक्ट्रिकल बाइक के बोल सकते हैं उसे, बैटरी पे चलती हैं जो। उसका चार्ज पड़ता है पर पर्सन 60 रुपीज़, तो आप उसके साथ भी घूम सकते हो। तो मैंने तो वो की नहीं थी, तो अभी जा रहे हैं हम एग्जिट की तरफ। तो आई होप कि आपको ये वाला टूर मेरा छत वीडियो वाला अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।